तो हम सीधा उत्तर प्रदेश से हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में, जहां पर बारिश भी हो रही है। और आपको बता दें, जो लोग महाराष्ट्र में हैं, आज हाई टाइड की चेतावनी दी गई है, तो मुंबई कर आज शनिवार के चलते समुद्र के किनारे से बचे, क्योंकि हाई टाइड आने वाली है, खासतौर पर जो मरीन ड्राइव का इलाका होता है। और यहां देखिए ट्रैफिक कितना लग गया है, बारिश के चलते जल जमाव और उसके बाद मुंबई की ट्रैफिक पर ब्रेक। शनिवार होने की वजह से भले ही आज दफ्तर और स्कूल बंद हैं, लेकिन बाकी जो लोग दफ्तरों में जा रहे होंगे, जिनके दफ्तर खुले हुए हैं, इमरजेंसी सर्विस है, और जो बाहर निकलेंगे लोग घूमने के लिए, वो भी आज बारिश के चलते ट्रैफिक से दो चार हो रहे हैं। नवी मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि नवी मुंबई को डीकंजेस्टेड काफ़ी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद बारिश के दिन यहां पर भी हैवी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और नवी मुंबई होकर कई लोग आगे जैसे खंडाला और तमाम जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहां पर भी जाते हैं, घाट के इलाके में जाते हैं, इसी के चलते भी यहां पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं अंधेरी का वो सबवे, जहां पर अक्सर हल्की सी बारिश भी होती है तो पानी भर जाता है। आप देखिए अंधेरी सबवे में पानी भरना शुरू हो गया है, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ बंद कर दी गई है और लोग पैदल ही आर पार कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। शनिवार का दिन मुंबई करों के लिए परेशानी भरा हो सकता है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी इलाके में, और अंधेरी में लगातार सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। नतीजा अब ये हुआ कि ये जो अंधेरी सबवे है, वहाँ अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने इस सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया है। आपको बता दें मुंबई के प्रमुख सबवेज में से ये एक अंधेरी सबवे है। प्रतिदिन लाखों गाड़ियां इस सबवे का इस्तेमाल करती है अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट में जाने के लिए, लेकिन जब सबवे में पानी भरा होता है, ऐसे में अगर कोई गाड़ी यहां से गुजरती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी हादसे की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला किया कि जब तक यहां से पानी कम नहीं होता तब तक इस सबवे को बंद किया जाएगा। आप दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, यहां पर इस तरह से रोप लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ियां जो है वो इस समय इस सबवे का इस्तेमाल न करे। फिलहाल जलस्तर थोड़ा कम है, इसीलिए लोग पैदल जो है इस सबवे को पार कर रहे हैं, लेकिन इसी सबवे के बगल में एक बड़ा नाला है जो लबालब भरा हुआ है। तेज रफ्तार से इस नाले में पानी जो है वो बह रहा है। इसी तरह की स्थिति जो शहर के अन्य बड़े नाले हैं वहां पर भी इसी तरह से तेज रफ्तार में पानी जो है वो बह रहा है। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, बीएमसी का कहना है कि आज दोपहर को हाई टाइड है, ऐसे में हाई टाइड के दौरान समुन्दर का जो पानी है वो शहर में आ सकता है। और इन्हीं तमाम आशंकाओं को देखते हुए मुंबईकरों को एहतियात बरतने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। और बारिश के बाद मुंबई से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है। मुंबई के अंडरपास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई फीट तक पानी भर गया है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी आ रही है। ये नवी मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश के चलते अब मुंबई के कई इलाके सैलाब की चपेट में भी आ गए हैं। मुंबई के जाने माने जुहू बीच पर समुन्द्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कुछ टूरिस्ट बीच पर इसका लुत्फ भी उठाते नजर आए। जुहू बीच मुंबई का बहुत ही फेमस समुद्र तट है, जहां तेज बारिश के बाद इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त हाई टाइड का अलर्ट है, तो मुंबई में जो लोग जा रहे हैं समुन्द्र के किनारे, वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। मुंबई एयरपोर्ट के इलाके की भी ताज़ा तस्वीर आ रही है, जहां झमाझम बारिश के बाद तस्वीरें आप देखिए। हालांकि अभी तक एयर ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही और रनवे पर पानी भर जाता है तो ऐसे में आवाजाही पर दिक्कत आएगी विमानों के। तो नवी मुंबई की तस्वीर, उसके बाद मुंबई की तस्वीर, दोनों ही जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब मानसूनी बारिश को लेकर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में 21 लोगों की मौत हुई है बिजली गिरने से भी। यूपी के जिले में भी कई जो है बाढ़ की चपेट में, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, हर तरफ पानी ही पानी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से हाईवे आज भी बंद है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ रूट पर रास्ता आंशिक तौर पर खोला गया है, क्योंकि लगातार वहां लैंडस्लाइड हो रहा है। जोशीमठ में श्रद्धालु फंस गए हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो वहां पर तेज बारिश हुई है और कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं।